भाई जैसे कि आप गुफा देख रहे हैं, ये वैष्णो माता की गुफा है और आप देख सकते हैं गुफा बनी हुई है माता रानी की, काफी बड़ी गुफा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ माता वैष्णो माता के दरबार में। वैष्णो माता जो स्थित है उदयपुर में, मंदिर बना हुआ है माता रानी का, जो गुफा के अंदर माता रानी विराजमान है, वहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। तो मैं आपको पूरा वीडियो पूरा व्लॉग बताऊंगा आपको, तो वीडियो के साथ में आप एंड तक बने रहिए। अभी मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ सामने की तरफ, तो आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और सामने की तरफ माता रानी की गुफा है जहाँ पे वैष्णो माता का दरबार है, तो अभी वहाँ पे अपन चलेंगे फाइनली। तो आप वीडियो के साथ में एंड तक बने रहिए, चलते हैं अपन आगे की ओर। बाकी आप देख सकते हैं रास्ता जा रहा है आगे की ओर, चलते हैं अपन और देखते हैं रास्ता है या नहीं उधर, तो आगे की तरफ। तो हम अभी यहाँ पे आ चुके हैं मंदिर के सामने की तरफ, आप देख सकते हैं दोस्तों सामने की तरफ मंदिर है। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर और मैं आपको यहाँ पे जो दर्शन है वो दर्शन भी करवाऊंगा माता रानी के, और आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप प्रसाद लेना चाहते हैं आपको पास में प्रसाद दिख जाएगा, जैसे कि आप माला ले सकते हैं, अगरबत्ती नारियल सब कुछ आपको प्रसाद दिख जाएगा। अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो आप देख चैनल गेट लगा हुआ है और आगे की तरफ पानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं पानी से होके अपन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर गुफा आने वाली है दोस्तों। फिर मैं आपको गुफा दिखाऊंगा और फिर माता रानी के मैं आपको दर्शन करवाऊंगा कि माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करें। बाकी चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आप देख सकते हैं सीढ़ियों के माध्यम से मैं आरामपूर्वक ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। चलते हैं हम आगे की तरफ। तभी अपन आरामपूर्वक जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पानी भरा हुआ था वहाँ से, तो अपन आए इधर आगे की तरफ आ चुके हैं सीढ़ियों के माध्यम से। आज चलते हैं ऊपर की तरफ आरामपूर्वक, ताकि मैं आपको आराम से दिखा पाऊँ। तो अभी चलते हैं सामने की तरफ। तो दोस्तों अपने को यहाँ पे मोबाइल की लाइट भी चालू करनी पड़ेगी, आप इधर पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो। आगे चल के अपने मोबाइल की लाइट चालू करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो आगे जाने के बाद में गुफा आएगी, आप देख सकते हैं इधर गुफा का रास्ता आने वाला है। आप देखेंगे तो यहाँ पे इधर साइड में ये देख सकते हैं गुफा का रास्ता है, इधर से होकर अपने को जाना है। तो अपने को मोबाइल की लाइट ऑन करनी पड़ेगी, बाकी अंदर की तरफ कुछ दिखेगा नहीं। तो लाइट ऑन की मैंने यहाँ पे, अभी चलते हैं हम आगे की तरफ। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ धीरे धीरे करके। गुफा बनी हुई आप देख सकते हैं वो अंदर की ओर, जिस तरह प्रकार की गुफा है वो आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं हम अंदर की तरफ आरामपूर्वक और आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे दर्शन करेंगे, आप आगे जाने के बाद में आप देख सकते हैं मंदिर आ चुका है माता रानी का भव्य मंदिर, आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लिए, आप आराम से दर्शन कीजिए दोस्तों। जय माता रानी, माता रानी आपकी हर एक इच्छा पूरी करें। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे माता रानी के आरामपूर्वक दर्शन कीजिए और गुफा बनी हुई, गुफा के अंदर माता जी स्थित है, माँ वैष्णो माता, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी चलेंगे वापस आगे की तरफ, तो आप आरामपूर्वक दर्शन कीजिए, मैं आपको आरामपूर्वक दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा, तो आप वीडियो के साथ में एंड तक बने रहिए, ताकि मैं आपको हर एक चीज़ दिखा पाऊँ। दोस्तों मैंने आरामपूर्वक माता रानी के दर्शन किए, जो कि मैंने आपको भी आरामपूर्वक दर्शन करा रहा हूँ मैं। अभी चलते हैं हम वापस आगे की तरफ। तो दोस्तों जैसे आप गुफा के अंदर आएंगे तो आपको जाने का रास्ता भी अलग है, सामने की तरफ है जैसे कि। तो आपको गुफा से होकर आगे की तरफ आप निकलेंगे, तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ। तो अभी अपन चल रहे हैं आगे की तरफ। तो मेरे को थोड़ा मोबाइल की लाइट मेरे को बंद लगी, तो मैंने वापस चालू की दोस्तों। तो अभी चलते हैं हम आगे की तरफ, क्योंकि दोस्तों मोबाइल की लाइट एकदम से अचानक से बंद हो गई थी, तो मैंने चालू किया वापस, क्योंकि गुफा के अंदर अंधेरा है। तो दोस्तों उस हिसाब से मैंने सोचा कि मोबाइल की लाइट चालू कर देता हूँ पीछे वाली, तो फ्लैश लाइट इसलिए। अभी चलते हैं हम गुफा से बाहर निकल चुके हैं फाइनली। अभी मैं आपको वापस दिखाऊं इधर से, तो आप देख सकते हैं गुफा, मतलब कि इस तरफ से दरवाज़ा बना हुआ है गुफा के अंदर, और फिर उसके बाद में गुफा है, आप देख सकते हैं नेचुरल पत्थर है ये जो गुफा का है, वो नेचुरल पत्थर लग रहा है। बाकी अपने को आगे पता नहीं दोस्तों, अपन चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो अभी चलते हैं इधर सामने की तरफ चलते हैं अपन। तो अभी मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ भी ले जाऊँगा आपको दर्शन करवाने के लिए, और बाकी वीडियो के साथ में आप बने रहिए। बाकी फाइनली अपन यहाँ पे देख सकते हैं, आप चैनल गेट लगा हुआ है इधर से और उधर से होकर हम आए थे, तो दोनों तरफ चैनल गेट थे। अभी इस गेट को अपन खोलते हैं यहाँ पे आरामपूर्वक, उसके बाद में अपन चलेंगे ऊपर की तरफ भी दर्शन करवाऊंगा मैं आपको। आप देख सकते हैं इधर की तरफ चलेंगे अभी ऊपर की तरफ। तो अभी अपन यहाँ से निकले, जैसे कि इस गेट को वापस मैं बंद कर देता हूँ, अभी चलते हैं अपन ऊपर की तरफ। बाकी आप वीडियो के साथ में बने रहे, ताकि मैं आपको अच्छे से दर्शन करवा पाऊँ। सो गाइस, जैसे कि हम अभी इधर से निकले थे और अभी अपन जा रहे हैं इधर की तरफ, तो माता रानी की गुफा उधर बनी हुई है, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। चलते हैं हम आगे की तरफ, बाकी आप देख सकते हैं नज़ारा। बाकी दोस्तों अपन जा रहे हैं ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं ये, मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ भी दर्शन करवाऊंगा आपको आराम से, क्योंकि ऊपर भी माता रानी का दरबार है, यहाँ पे भी आपको दर्शन होंगे। और अभी मैं आपको ये नीचे इधर दर्शन करवाता हूँ इधर साइड में। तो अभी दोस्तों आप आते हैं कभी भी तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, उस हिसाब से मैं आपको हर एक चीज़ दिखा रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कोई भी आता है तो उसको पता नहीं रहता अच्छे से, तो फिर वो क्या करते हैं नीचे नीचे दर्शन करके चले जाते हैं, तो आपको ऊपर का पता होना चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे भी आप ऊपर की तरफ माता रानी के दर्शन कर लीजिए दोस्तों आरामपूर्वक, जिससे कि माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करे और दूर से माता रानी आपकी सुनेगी दोस्तों। तो आप आरामपूर्वक माता रानी के दर्शन कीजिए, जैसे कि माता रानी विराजमान है शेर की सवारी पर,
शेर की सवारी, माता रानी की सवारी है। तो दोस्तों अभी चलते हैं अब आगे की तरफ। सो गाइस, वैष्णो माता की गुफा बनी हुई आप सामने की ओर देख रहे हैं, ये हिल गुफा बनी हुई दोस्तों आप देख सकते हैं। ये माता वैष्णो माता दरबार विराजमान है नीचे की ओर गुफा में, और माता रानी की जो गुफा है वो आप देख सकते हैं, अनोखी गुफा बनी हुई है ये। अभी सीढ़ियाँ उतरने के बाद में अपन नीचे की ओर जा रहे हैं हनुमान जी बालाजी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे। और जैसे ये गुफा आपको मैंने तो गाइस एक चीज बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे जो कलर कर रखा है ये कलर आप देख रहे हो व्हाइट कलर, इस कलर में चलने से अपने जो पाँव है वो नहीं जलते हैं, बाकी यहाँ पे अपन पाँव देंगे तो अपने पाँव जलेंगे, तो काफ़ी अच्छा कर रखा है। ये चीज़ मुझे बहुत ही बढ़िया लगी कि इसके ऊपर चलने से अपने पाँव नहीं जल रहे हैं। बाकी बालाजी के दर्शन करते हैं फिर मैं माता रानी की जो गुफा है उसका व्यू दिखाऊँगा मैं आपको। तो एक बार चलते हैं भगवान हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, मैं आपको भी दर्शन करवा देता हूँ दोस्तों। जय बजरंग बली दोस्तों। दोस्तों आप आरामपूर्वक हनुमान जी बालाजी के दर्शन कर लीजिए। तो गाइस जैसे कि आपने देखा ये बालाजी का मंदिर है, और पास में ही जैसे कि आप देखेंगे माता रानी की गुफा बनी हुई है वो सामने। वापस ऊपर की ओर चल रहे हैं अपन, वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आपने देखा जो गुफा है माता रानी की वो रियल गुफा है। बाकी आप पहाड़ी का नज़ारा देखेंगे यहाँ से तो आपको बहुत ही बढ़िया दिखेगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और बाकी माता रानी का मंदिर बीच में स्थित है। सामने की तरफ भी देख सकते हैं आप। अभी चलेंगे अपन नीचे की तरफ वापस। मैं भी नीचे की तरफ आ चुका हूँ, तो अभी अपन चल रहे हैं वापस उधर की तरफ जहाँ से अपन आए थे उधर ही। तो गाइस जैसे कि आप सामने की तरफ वैष्णो माता का मंदिर है, और सामने ही आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सामने की तरफ मंदिर है। तो अभी चलते हैं इस मंदिर में, और यहाँ पे अपन जो सामने की तरफ गुरुजी खड़े हुए उनसे अपन पूछेंगे कब स्थापना हुई और कितना पुराना मंदिर है, वो सब कुछ ये सब बताएंगे हमें। तो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। बाकी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आने के बाद में बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आसपास आप पास में देखेंगे तो आपको अरावली की पहाड़ियाँ देखने के लिए मिलेगी और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। आगे हम बात करते हैं, अभी गुरुजी से बात करते हैं हम। तपस्या की थी तो ये इन्होंने मतलब समाधि ली है, समाधि लेकर निर्माण में इन्होंने करवा के इनकी कृपा से आज यहाँ है, जो इनकी कृपा से यह सब कुछ है जो उन्होंने करवाया। तो वैष्णो माता का मंदिर कब बना था? 2005 में इनकी स्थापना की, इन्होंने स्थापना की थी यहाँ पे, तो काफ़ी पुराना हो गया है। हाँ भैया लगा लो कि अभी 24 साल तो हो गए। हाँ, तो उसके बाद में जो अपना मंदिर का कार्य चल रहा है आगे से, तो वो कौन संभालता है ऐसा कुछ? यहाँ पे समिति बनी हुई है, समिति वाले संभालते हैं। जी धन्यवाद, देवी के नाम से समिति बनी हुई है। जी धन्यवाद। जैसे कि मैंने बोला दोस्तों कि अरावली की पहाड़ियाँ आपको बहुत ही अच्छी लगेगी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और जो माता जी का मंदिर है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया मंदिर है दोस्तों। तो अभी वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना।